हाय गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट 9 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपकी यूपी एनएचएम, पीजीआई जिपमर, हिमाचल प्रदेश एससी, केरल पीएससी, एम्स रायपुर पटना, ऑल नर्सिंग एंड सीएचओ एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो जरूर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबा लें। और आपने अगर स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट 1 से लेकर 8 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल, निम्न में से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, कारण देख लेते हैं। HDL रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी सेल्स एंड ब्लड बाई ट्रांसपोर्टिंग इट टू लीवर फॉर एलिमिनेशन थ्रू द बाइल। जो HDL है ये क्या करता है कि बॉडी में जो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी के सेल्स और ब्लड में होता है उसको लीवर को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ताकि लीवर है वो उसको बाइल में कन्वर्ट करे और फिर बाइल के रूप में बॉडी से बाहर चला जाए। नंबर वन, इट आल्सो प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, और ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बॉडी में एक्यूमुलेट होने से भी रोकता है। सो इट डिक्रीज रिस्क फॉर CAD, इसलिए जो CAD की रिस्क है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सभी जो फैटी एसिड है ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है किसी एक को छोड़कर। तो लोरिक और पाल्मिटिक स्टेरिक है ये सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि ओलिक है ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। लिखा भी गया ओलिक एसिड इज मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनिक फैट्स एंड ऑयल्स, मोस्ट ऑर्गेनिक फैट्स और ऑयल में पाया जाता है ओलिक एसिड, और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ए फूड कंटेन 13 ग्राम फैट, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी। भोजन जिसमें 13 ग्राम फैट है, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम प्रोटीन है, तो टोटल कैलोरी इसको कितनी मिल जाएगी। सीधा सा क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 ग्राम फैट है वो 9 कैलोरी देती है, तो 13 को 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 117 कैलोरी आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है, तो 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 4 से मल्टीप्लाई करोगे 123 आ जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 कैलोरी देता है, तो 5 ग्राम प्रोटीन है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 कैलोरी आ जाएगा। 117 123 20 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल कैलोरी इस भोजन से 261 कैलोरी यहाँ पे मिल जाएगी, और ऑप्शन बी में यहाँ पे 261 कैलोरी दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, अमंग दीज विच इज नॉट असेंशियल एमिनो एसिड, निम्न में से कौन सा असेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। तो यहाँ पे जो थ्रियोनिन, हिस्टिडिन और ट्रिप्टोफेन है ये असेंशियल एमिनो एसिड है, जबकि जो एलेनिन है ये असेंशियल एमिनो एसिड नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं, क्यों कहते हैं, कारण देख लेते हैं। टोटल एमिनो एसिड होते हैं 24, अमंग दीज 9 आर कॉल्ड असेंशियल एमिनो एसिड बिकॉज बॉडी और लीवर कैन नॉट सिंथेसाइज देम एडिक्वेटली, सो देयरफॉर दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट ओनली। 24 टोटल एमिनो एसिड होते हैं, 9 जिनको असेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं क्योंकि बॉडी या अपना बॉडी का जो लीवर है ये इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं एडिक्वेट मात्रा में, इसलिए ये अपने को डाइट से लेने पड़ते हैं, तो इसको असेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। 9 असेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, थ्रियोनाइन और फिनाइलेनाइन, वेलिन, हिस्टिडिन और ट्रिप्टोफेन। ये जो 9 है वो याद रख लेने हैं, क्योंकि ये 9 याद रख लो क्योंकि ये असेंशियल है, तो क्वेश्चन में आएगी कौन सा नहीं है तो आप अपने आप सॉल्व कर दोगे, या कौन सा असेंशियल है तो इनमें से ऑप्शन आए तो आप राइट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है,
Which nutrient lost during excessive washing and cooking of vegetable? Vegetable को excessive wash करें या cooking करें तो कौन सा nutrient है ये ख़त्म हो जाता है, तो जो vitamins है ये आसानी से ख़त्म होने वाला nutrients होता है, option A है और right हो जाता है। अगला question है, which of the following vitamin is soluble in water? निम्न में से जो कौन सा vitamin है ये water में soluble होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विटामिन बी है, ये वाटर में सोल्युबल होता है। गाइज आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो विटामिन बी और सी है ये दोनों के दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं, जबकि जो विटामिन ए डी ई के होते हैं ये फैट सोल्युबल या ऑयल सोल्युबल होते हैं, ऑयल में फैट होती है तो ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, बी सी वाटर सोल्युबल होता है, ये याद रख लेना है केवल। अगला जो क्वेश्चन है, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है ये कौन सा होता है, तो कोड लीवर ऑयल जो होता है ये विटामिन ए का रिचेस्ट नेचुरल सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नेक्टेलोपिया एंड बिटोट स्पोर्ट आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो नेक्टेलोपिया और बिटोट स्पोर्स है ये किसकी कमी के कारण होते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, ऑप्शन ए है और राइट हो जाता है। नेक्टेलोपिया का मतलब होता है नाइट ब्लाइंड नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉजेज, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, डीफनेस ड्राइनेस डिजीनेस नहीं होता है, विटामिन ए की कमी के कारण ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्यों होता है ये देख लेते हैं। विटामिन ए कॉजेज जीरोथर्मल, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज जीरोथर्मिया यानी ड्राई आइज, विच इज लीडिंग कॉज ब्लाइंडनेस इन टू चिल्ड्रन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो जीरोफिल में हो जाएगा, जिसको ड्राई आइज कहते हैं, इसकी कमी के वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बच्चों में ब्लाइंडनेस हो ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कोजेज, अगर नियासिन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा डिजीज जो होती है। अब ये नियासिन है ये कौन सा विटामिन होता है और कौन कौन से विटामिन है उनके केमिकल नाम क्या है, किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, अब ये अपने पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन 11 लेंगे। तो सबसे पहले विटामिन के जो केमिकल नेम है वो देख लेते हैं और किस ईयर में ये डिस्कवर हुए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1909 में विटामिन ए है जिसकी खोज हुई और इसका केमिकल नाम है रेटिनोल कहते हैं, सोर्स होता है कोड लीवर ऑयल फिश। फिर 1912 में विटामिन B1 थायमिन की खोज हुई और ये विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं राइस ब्रान में पाया जाता है। फिर 1912 में विटामिन सी जिसको केमिकल नाम होता है एब्सकोर्बिक एसिड इसकी खोज हुई और ये लेमन और सिट्रस जो फ्रूट होते हैं फ्रूट खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर 1918 में विटामिन डी की खोज हुई जिसका केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरोल और ये भी कोड लीवर ऑयल में पाया जाता है। फिर 1920 में विटामिन B2 की खोज हुई और इसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन और अंडों में मुख्यतः पाया जाता है। फिर 1922 में विटामिन ई की खोज हुई जिसका केमिकल नाम होता है टोकोफेरोल और वीट जर्म ऑयल में ये मेनली पाया जाता है। 1926 में विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालमिन कहा जाता है इसकी खोज हुई और लीवर में मुख्यतः पाया जाता है। 1929 में विटामिन के की खोज हुई और जिसका जो केमिकल नाम है वो है फाइलोक्विनोन और ये लेजर में पाया जाता है। उसके बाद में आगे एक बात कर लेते हैं, विटामिन के तक बात होगी है, उसके बाद में 1931 में विटामिन B5 जिसको पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं लीवर इसका मेन सोर्स होता है। 1931 में विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं लीवर में मेनली पाया जाता है। 1934 में विटामिन B6 पाइरोडोक्सिन जिसका केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं और विटामिन बी ग्रुप है, इनके तो केमिकल नेम देखकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में नियासिन दिया गया था। तो 1934 में विटामिन B6
पाइरोडॉक्सिन की खोज हुई, राइस ब्रांड में पाया जाता है, और 1936 में विटामिन B3 यानी नियासिन, जिसका क्वेश्चन ऊपर अभी अपने बात कर रहे थे उसी के आधार पर ये ले रहे हैं, 1936 में विटामिन B3 नियासिन की खोज हुई और ये लीवर में पाया जाता है, 1941 में विटामिन B9 फोलिक एसिड की खोज हुई और लीवर में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि इससे विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर केरेटोसिस और केरेटोमलेसिया होते हैं, ये याद रखना है। और उसके बाद में आता है विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया होता है। विटामिन ई की कमी हो जाए तो डिफिशियंसी इज वेरी रेयर, इसकी कमी बहुत ही रेयर होती है, स्टेरिलिटी इन मेल एंड अबॉर्शंस इन द फीमेल, मेल में स्टेरिलिटी होती है अगर कमी हो जाए और फीमेल में बार बार अबॉर्शन होता है, माइल्ड हिमोलाइटिक एनीमिया न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ये होता है। अब विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये अपने जानते हैं। अब देख लेते हैं विटामिन बी ग्रुप होता है उनमें किस विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। विटामिन B1 जिसको थायामीन कहते हैं, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी या जो रिकनल सिंड्रोम है, वर्निक सिंड्रोम है सॉरी, विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी और वर्निक सिंड्रोम है वो होता है। विटामिन B2 जिसको यहाँ पे आप विटामिन B2 है, इसका केमिकल नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, B2 का है, राइबोफ्लेविन होता है, जो विटामिन B2 है इसका राइबोफ्लेविन केमिकल नेम है। तो इसकी कमी की वजह से एर्बोफ्लेविन्स ग्लोसाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये होता है। विटामिन B3 नियासिन होता है जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड होता है, पेरेस्थीसिया होता है। विटामिन बी सिक्स है, ये नाम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पाइरोडॉक्सिन विटामिन B6 का दिया हुआ है, ये देखो विटामिन B6 ये पूछ लिया जाता है। विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन होता है, इसकी कमी की वजह से एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। फिर फोलेट होता है विटामिन B9 जो फोलिक एसिड होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिफिशियंसी ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी एसोसिएट विद बर्थ डिफेक्ट सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालमिन कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है कमी के कारण। और विटामिन जो सी होता है, इसकी कमी की वजह से स्क्रेवी होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग, निम्न में से किस विटामिन का वुंड हीलिंग, घाव को ठीक करने में ज़्यादा रोल होता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा रोल होता है वुंड हीलिंग में। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई आल्सो नोन एज, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन जो डी होता है उसको एंटी रिकेट्सियल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच शुड बी एडवाइज टू टेक विद आयरन सप्लीमेंट एक्सेप्ट, नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उनमें से सभी के साथ आयरन सप्लीमेंट लेने की एडवाइस दी जाती है किसी एक को छोड़कर। तो गाइस आयरन का जो सप्लीमेंट है ये मल्टीविटामिन फ्रूट जूस और सिट्रस जूस के साथ दिया जाता है, जबकि मिल्क के साथ है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि मिल्क है वो आयरन के अब्जर्वेशन को लो कर देता है, इसलिए मिल्क के साथ आयरन सप्लीमेंट देना अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है, उससे पहले देख लेते हैं आयरन सोर्स क्या है, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पाइनक, जेगरी, मीट, पोल्ट्री एंड फिश ये आयरन के सोर्स होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम दैट एन एडल्ट मस्ट टेक, एक एडल्ट को कैल्शियम की कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है, 400 से 500 mg पर डे के लिए डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की एक एडल्ट में, और प्रेगनेंसी में 1000 यानी 1000 mg पर डे जरूरत होती है, और लैक्टेशन में 1500 mg पर डे जरूरी होती है। अगला आ जाता है, विच मिनरल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डायरिया, कौन सा जो मिनरल है वो डायरिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जिंक है ये डायरिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, टीवी में एड भी देखा होगा, जिंक और ORS दिया जाता है, जिसमें 7 दिन तक जिंक की 14 टेबलेट दी जाती है और ORS साथ में दिया जाता है डायरिया में। फुल फॉर्म ऑफ ICDS इज, ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये ICDS की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ICDS बेनिफिशरी कौन है, 0 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं वो होते हैं, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है ये इसके बेनिफिशरी होते हैं। प्रोग्राम किसके अंडर में चलाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में ये चलाया
जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स हाउ मेनी कैलोरी एंड प्रोटीन पर डे, जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसके बारे में बात करेंगे, कब चलाया गया था, रिवाइज कब किया गया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन पर डे देता है। तो मिड डे मील प्रोग्राम है ये 300 कैलोरी तो देता है पर डे और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 में और 2004 को इसको रिवाइज किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सीवियर मसल्स वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर ऑफ सीवियर मसल्स वेस्ट हो जाए, ग्रोथ फेलियर है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट किसके फीचर होते हैं, मेरास्मस डिजीज के फीचर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। मेरास्मस इज ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अकर्ड ड्यू टू एनर्जी डिफिशियंसी इफ ए चाइल्ड कंज्यूमिंग फ्यूर देन 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। अगर रोजाना 130 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट कोई चाइल्ड लेता है तो उसको एनर्जी डिफिशियंट हो जाएगी और उसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगा जिसमें मेरास्मस डिजीज हो जाएगी। आप यहाँ पे चाइल्ड भी देख सकते हैं, सीवियर मसल्स वेस्टिंग इस टाइप के चाइल्ड में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वासिओरकोर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, क्वासिओरकोर है ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो क्वासिओरकोर है ये यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। ऊपर जो मेरास्मस था वो एनर्जी की डिफिशियंसी के कारण होता था, जबकि जो यहाँ पे क्वासिओरकोर है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। डायग्राम भी देखेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। आल्सो कॉल्ड सिकनेस ऑफ विनिंग, इसको विनिंग की सिकनेस भी कहा जाता है। क्लिनिकल साइन क्वासिओरकोर लिथार्जी, एफेथी, इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट, मसल्स वेस्टिंग दैट हिडन बाय इडिमा। जो क्वासिओरकोर है इसमें भी मसल वेस्टिंग होती है लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण इसमें इडिमा आ जाता है, तो जो मसल्स वेस्टिंग है वो हिडन हो जाती है। बाकी लिथार्जी, एपेथी, इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट है ये इसके क्लिनिकल साइन होते हैं। प्रिंसिपल फीचर क्या होता है ये देख लेना, पीटिंग एडिमा स्पेशली इन लोअर लेग्स एंड फेस, लोअर लेग्स और फेस पे पीटिंग एडिमा दिखाई देता है, ये इसका प्रिंसिपल है वो फीचर होता है। ये आपको पीटिंग एडिमा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फेस में भी और आप यहाँ पे लेग्स में भी ये पीटिंग एडिमा इसके देख सकते हैं। अगला की जो क्वेश्चन है वो है, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग, न्यून में से कौन सा न्यूट्रिएंट है वो अंडों में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन आयरन पाए जाते हैं, फैट विटामिन डी पाया जाता है, प्रोटीन कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी है ये एग्स में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो गाइस 20 ही क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी हाजिर होता हूँ पार्ट 10 लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।